अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है, लेकिन उससे पहले लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के गाने शेयर किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार भगवान राम पर बने गानों को शेयर किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पूर्व में ट्विटर था, एक और गाना शेयर करते हुए लिखा, स्वाति जी का ये भजन एक बार सुन ले तो लंबे समय तक कानों में गूंजता रहता है, आंखों को आंसुओं से, मन को भावों से भर देता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले लोगों से आग्रह किया था कि राम पर बने गाने, भजन या काव्य किसी भी प्रकार की सामग्री को श्री राम भजन हैशटैग के साथ शेयर करें। इससे पहले पीएम मोदी ने बिहार की रहने वाली फेमस यूट्यूबर स्वाति मिश्रा का राम आएंगे गाना शेयर किया था और कहा था, श्री राम लला के स्वागत में स्वाति का भजन मंत्र मुग्ध करने वाला है। इसके बाद उन्होंने एक और फेमस यूट्यूबर सिंगर हंसराज रघुवंशी का गाना शेयर करते हुए लिखा था, अयोध्या में प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर पूरा देश राम में है, रामलला की भक्ति में डूबे भक्तजन इस शुभ दिन के लिए तरह तरह से अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। भगवान श्री राम को समर्पित हंसराज रघुवंशी का यह भजन सुनिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म जगत के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल और पायल देव का गाया हुआ और मनोज मुंतजिर का लिखा हुआ गीत शेयर करते हुए कहा, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर पर अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राम में हो रहा है, रामलला की भक्ति से ओतप्रोत जुबिन नौटियाल, पायल देव जी और मनोज मुंतजिर का ये स्वागत भजन दिल को छू ले देने वाला है। राम मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर जगह आपको तरह तरह के रिएक्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर उत्साह का माहौल है। लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो कुछ लोगों ने राम मंदिर का वीडियो शेयर करके गाने के बोल लिखे हैं। गौरतलब है कि इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश की जानी मानी हस्तियां शिरकत करने वाली है। अयोध्या में इस इवेंट को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस तरह से भगवान श्री राम के आगमन को लेकर तैयारियां कर रहे हैं।